और उस दर्पण में एक सच्चाई दिखाने के लिए आए हैं। और हम सब सलाम भाई के कलाकार हैं और इस तरह के लेखक और निर्देशक श्री शैलेश अवधि हैं। हम यहाँ बताने आए हैं कि हमने से किसी भी व्यक्ति का कोई भी संबंध किसी भी राजनीतिक दल संगठन या प्रत्याशी से नहीं है और हमने से कोई व्यक्ति हम यहाँ बताने आए कि जाति धर्म भाषा के नाम पे न बैठना, अपने विवेक से ही सोचना की सेवा, उनको ही तुम वोट करना, उनको ही तुम वोट करना, उनको ही तुम वोट करना। जनता की सेवा उनको ही तुम वोट करना, क्योंकि चुनाव आया है उत्तर प्रदेश का और इस चुनाव में लग रही है तरह तरह की गोलियां। आरोप प्रत्यारोप की चल रही है जनादन गोलियां। मची है चारों ओर दरदारियों की, सर में चल रही तरह तरह की टोपियां। निकल आए हैं सभी नेता अपने अपने तरह से और चल रहे हैं पैदल ही। नेताजी अरे नेताजी चुनाव आ गया, ये तो सो रहे हैं। अरे उठाया क्यों नहीं तूने, चुनाव आ गया। अरे नेताजी उठिए, चुनाव आ गया। क्या करूँ क्या करूँ, बाल्टी का बाल्टी कौन है कौन है। अरे नेताजी चुनाव आ गया, चुनाव आ गया क्या हुआ यार। अरे नेताजी चुनाव आ गया, चुनाव चुनाव आ गया, तुमने मुझे बताया क्यों चुनाव आ गया। अब बस्ती कीजिए नेताजी, जनता के बीच चल रहा है सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार के लिए आ चुके हैं, आपको भी चलना है। नेताजी देखिए कितनी सारी जनता, कितनी सारी जनता, प्रणाम आप ही हमारे माई बाप को, आप ही हमारे अन्नदाता, आपसे ही चलता है हमारा देश और आपसे ही चलता है हमारा प्रदेश। मैं आपका सच्चा सेवक हूँ, इस चुनाव में मुझे ही विजय बनाए, आप सब हमारे राजा हैं, हमें ही विजय बना के हम आपके एहसान मंद रहना चाहते हैं। झूठ बोल रहा है, ये बकवास करता है। मैं हूँ आप लोगों का सीनियर था, मैं हूँ आप लोगों का भविष्य, मैं हूँ आप लोगों का भाग्य विधाता। समझ गए, ध्यान रहे आप लोग, मुझे ही वोट करना, क्योंकि मेरे अंदर ही वो क्षमता है जो आप लोगों के सभी कार्य को पूरा कर सकता है। आप ये जानती है दुनिया सारी मेरे नाम से चलती है बा, और मेरे इशारे से हिलता है पत्ता पत्ता। आप लोग वोट करना, जरूर वोट करना, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सबन सिंह को ही वोट करना। प्रिय दोस्तों नमस्कार, मुझे नहीं लगता कि आप लोग के बीच आकर पैसे लेने की आवश्यकता, क्योंकि मैं तो हमेशा से आप लोगों के बीच आता हूँ और आज भी आया हूँ, क्योंकि चुनाव आया है। नाटक हो रहा है आप लोगों, लेकिन आपको विचलित नहीं होना है। ओके, मैं ही कहूँ आपका सच्चा, मैं ही कहूँ आपका सच्चा सेवक, इसलिए आप लोग मुझे ही वोट दें और भारी से भारी संख्या में वोट देकर मुझे विजय बनाए, ताकि मैं आपकी भविष्य में ऐसी सेवा करता रहूँ। बोल रहा है, मैं हूँ आपका सच्चा सेवक, मैं ही हूँ आपका असली नेता। लेकिन क्या आप लोगों ने आज तक एक भी वोट ईमानदारी से दिया है? बताइए बताइए, क्या बोल रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा, साफ साफ बोलो।
तो ये कहना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों ने आज तक एक भी वोट समझदारी से दिया है? बताइए, मेरा कहने का मतलब है कि क्या आप लोगों ने आज तक वोट जाति धर्म भाषा या किसी न किसी लालच में आकर दिया है ना? आज तक आप लोगों ने अपना समाज के बिना ही वोट किया है ना? तो बताइए किस बर्बादी का जिम्मेदार आपको अब ये करना है कि आपको जाकर वोट देना है और दूसरों को भी समझाना है कि आप लोग जाकर वोट दें ताकि आपका पसंदीदा नेता जीते और आपका ईमानदारी से काम करे। ना चाहिए करना है तुम्हें क्रांति और ना करना है धरना। ना आपको किसी से डरना, ना किसी से लड़ना, ना उलझना। आपको करना है सिर्फ मतदान। और अगर आप चाहते हैं राष्ट्र का कल्याण तो अपनी इस उंगली की ताकत को पहचानो। इसी उंगली से आपको मत करना है, वोट देना है। इस उंगली में बहुत ताकत है भाइयों। आपको अपने दिमाग से सोच के करना है, किसी के आप बात में मत आना। आपको जो अच्छा लगता है उनको ही आप वोट करना। और अगर आपको इसी उंगली से मतदान करना है और आपको करना है मतदान, इसी संदेश के साथ हम आपसे भी चाहते कि धन्यवाद जो जनता की सेवा